नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्रोनेक्स्ट में स्वागत है, जहां पर आपको कृषि संबंधित जानकारी उपलब्ध करवाई जाती है। आज हम बात करेंगे करेले और चचिंडे के फल को नष्ट कर देने वाले कीट के बारे में, जिसका प्रभाव मानसून के महीने में अपनी चरम सीमा पर होता है और जिसका नाम फ्रूट फ्लाई यानी फल की मक्खी है। इस मक्खी का लार्वा फलों को छीलकर अंदर से सड़ा देता है, जिसके कारण फल का गूदा खाने योग्य नहीं रहता। फल के गूदे में घाव बन जाते हैं और परिस्थिति बिगड़ने पर यह संक्रमण दूसरे फलों को भी प्रभावित करता है, और संक्रमण फैलने के बाद यह मक्खी फल के अंदर बैक्टीरियल रोग को भी उत्पन्न करती है, जिसके कारण फल पनप नहीं पाता, सही आकार नहीं ले पाता और समय से पहले झड़ जाता है। जल्दी पकने वाली किस्में इस मक्खी के संक्रमण से कम प्रभावित होती हैं। फल के पकने के दौरान पौधे के पास की मिट्टी को थोड़ा सा उखाड़ देने से मिट्टी में मौजूद इस मक्खी के अंडे नष्ट हो जाते हैं। मिथाइल यूजिनॉल से बने ट्रैप लगा सकते हैं। परिजीवियों का संरक्षण करें, जैसे ओपीएस फ्लिचेरी और नीम सीड केर्नल एक्सट्रैक्ट का स्प्रे करने से इस कीट को काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो इस वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।